एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस न्यू वाले पर। तो गाइज, आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि मेरा अभी जॉब लग गया है यहाँ पूना में। तो मैं अभी पूना में हूँ और यहाँ ऑफिस का मेरा जॉब मिल गया है। और मेरा जॉब जो है ई स्पेस में मिला है, यहाँ खांडवे नगर में, सॉरी विमान नगर में है। विमान नगर में एक ई स्पेस करके है ना कंपनी, और उसमें सुमा सॉफ्ट कंपनी है, उसी में मेरा जॉब लगा है। तो गाइज, आज मैं अपना ऑफिस दिखाने वाला हूँ। देखो, मैंने ऑफिस के गेट पर पहुँच गया है। उधर मंत्री है और मैंने ऑफिस के गेट पर पहुँच गया हूँ और मैं अपना आज ऑफिस भी दिखाने वाला हूँ किस कंपनी में जैसे लगा है जॉब। तो गाइज, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू लग रहिएगा और जैसे ज़्यादा लेट नहीं होगा ब्लॉग लाने में, क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी ब्लॉग बनाने में, इसलिए डेली नहीं बना पा रहा था। तो आज सोचा हूँ कि ब्लॉग, अब तो जॉब ही लग गया तो अब ब्लॉग डेली डालूंगा, इसलिए आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अपने ऑफिस के गेट पर। वहाँ ये रहा दोस्त गेट मेरा ऑफिस जाने वाला। इधर चाय की दुकान है, छोला वगैरह है। ट्रेनिंग चल रहा है, देखो एक ट्रेनिंग रूम है, इसमें है ना यहाँ नोटबुक है, यहाँ बैठने वाला चेयर है और इधर मैम को बैठने वाला, इधर सिस्टम देखो, इस पर मैम जो है से बताती है किस प्रकार हम लोग का ट्रेनिंग चलता है, इसी में बताती है सिस्टम पर। और इधर बोर्ड भी है, बोर्ड पर समझाने के लिए। तो यही मेरा ट्रेनिंग रूम है और मैं आज पूरा ऑफिस का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोग लगातार वीडियो में लगे रहिएगा, मैं पूरा आज ऑफिस का बता देता हूँ। तो गाइज, अभी मैम जैसे आई थी और कुछ टास्क देकर चली गई है, बताई है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में जो टास्क होता है ना वही टास्क देकर चली गई है अभी मैम बाहर। और मुझे इस पर कुछ टास्क पूरा करना है, उसके बाद मैं टास्क पूरा कर लेता हूँ, फिर मैडम आएगी तो उनको बताऊँगा। तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा देर का वीडियो बना लेता हूँ ब्लॉग में डालने के लिए। और मैं आज पूरा 7 बजे तक यहाँ रहने वाला हूँ, पूरा एक ब्लॉग यहाँ डालने वाला हूँ। तो कंटिन्यू ब्लॉग देखिएगा मेरा ऑफिस कैसा है, कैसे कैसे ट्रेनिंग यहाँ हो रहा है। और बहुत अच्छा जॉब मिला है यार, बहुत ढूंढने के बाद मिला है। कई जगह मुझे तो छाड़ दिया गया इंटरव्यू में, बहुत दुख की बात है, क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना सही नहीं था। मैं बहुत इम्प्रूवमेंट किया हूँ इंग्लिश में बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ तो हिंदी कम समझता है सब ना, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती थी और मेरा टाइपिंग स्पीड भी बहुत स्लोली है। इसीलिए मैं बहुत इम्प्रूवमेंट किया हूँ इंग्लिश में बोलने के लिए। प्रयास करते करते मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, उसके बाद में इस कंपनी में जो है ऐसे मेरा जॉब हो गया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं फ्रेशर था, पहले बार था ना, इसलिए मुझे दिक्कत होती थी कहीं जॉब मिलना। अब तो मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस होने के बाद किसी भी कंपनी में अच्छा सा जॉब मिल जाता है और अच्छा सैलरी भी हो जाती है। तो इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ और फिर आगे की ब्लॉग आज बताता हूँ। आज अभी ट्री भी रख हुआ है ना, तो ट्री पीने के लिए आया हूँ बाहर। यही यहाँ टी स्टोर लगता है सब, और टी ब्रेक अभी हो गया है और मैं अपने अभी ऑफिस के ग्राउंड में हूँ। इधर पार्क है ऑफिस में, तो वही पार्क में घूम रहा हूँ, तो आपको पार्क के नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। और यही साइड साइड से जो ऑफिस दिख रहा होगा ना पीछे, वही ऑफिस है, बहुत दूर में है ऑफिस। यही रहा मेरा ऑफिस। गाइज, अभी लंच ब्रेक हो गया है, तो अभी जा रहे हैं लंच करने। 3 PM पर यहाँ लंच होता है, तो अभी लंच करने जा रहे हैं। ये मेरा लंच आ चुका है और इसमें लंच है और मैं जा रहा हूँ अब लंच करने। गाइज, अभी खाना भी खा चुके हैं, यानी कि लंच कर लिए हैं और पार्क में घूम रहे हैं। यहाँ पर पार्क में बहुत अच्छा मौसम दिखाई दे रहा है, देखो, और यहाँ टहल रहे हैं कुछ देर और उसके बाद
फिर जाऊंगा ट्रेनिंग रूम में। तो देखिए ये पार्क का नज़ारा है, पार्क में मस्त जो है से अभी मौसम बता रहा है। अभी इवनिंग टी ब्रेक हुआ है, अभी शाम में जा रहे हैं अभी चाय पीने के लिए, और टी ब्रेक करके फिर जाना है ऑफिस में। यही मेरा ऑफिस है। तो गाइस अभी छुट्टी हो चुका है, और देखिए शाम का 7 बज रहा है, और यहाँ से हम लोग अब जाने वाले हैं रूम पर। तो अभी बाहर आ गए हैं गेट के पास, और यहाँ से चलते हैं ऑटो या बस पकड़ कर फिर निकलते हैं। गाइस अभी आ चुके हैं बस स्टॉप पर, देखिए यहाँ, और यहाँ से गाड़ी ले रहे हैं। बस लूँगा और यहाँ से चल जाऊँगा। यहाँ देखिए रात का व्यू कैसा है, यहाँ बस स्टॉप पर अभी आ गया हूँ। ये ऑफिस के बगल में ही बस स्टॉप है। गाइस अभी उतर गए हैं यहाँ पर, और देखिए इस पार से उस पार जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना तेज गाड़ी चल रहा है कि उस पार से उस पार नहीं जा पा रहे हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब तक रेड लाइट नहीं जलेगा तब तक इस पार से उस पार नहीं जाएंगे। तो फाइनली गाइस रूम पर पहुँच गए, अब जा रहे हैं थोड़ा फ्रेश व्रेश होने। तो गाइस अब जा रहे हैं खाना खाने, हम लोग खाना खाना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए ये रहा चपाती, जो रोटी बोलते हैं हम लोग के यहाँ घर पर, और यहाँ देखिए डोसा है, और यहाँ पर सब्जियाँ है, यहाँ दाल फ्राई है, और ये रहा धनिया चटनी, और ये टमाटर की चटनी है, और ये बादाम का चटनी है, और ये सब पैकेट है में रखा है। यहाँ नीचे में बादाम का चटनी है, और यहाँ कुकर में चावल है, और अब यही सब जो है से खाना है। और यहाँ दाल फ्राई है कढ़ाई में, और इसमें सब्जी है। तब जा रहे हैं खाना खाने, थैंक्स। और इस ब्लॉग को अब यहीं समाप्त कर रहे हैं, और अब जैसे जॉब लग गया है, अब डेली कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेगा, मेरा देसी ब्लॉग रहेगा, मतलब जो करते हूँ डेली वही जो है से दिनचर्या रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ अब ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नए हैं चैनल पर तो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके बाय।